ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर निर्देश दिया गया है। तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान का भी निर्देश दिया गया। 15 अगस्त तक किया जाएगा विशेष कैंप का आयोजन। योजना निःशुल्क है, इसीलिए बिचौलियों से रहे सावधान। पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश है। 15 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। योजना निःशुल्क है, इसीलिए बिचौलियों से रहे सावधान। पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री मैया योजना पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत तेज हो गई है। सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, सीता सोरेन का बड़ा बयान। नई नई योजनाओं को लाकर वोट बैंक बनाने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से किसी का भला नहीं होने वाला है, बड़ी खबर। सरकार ने महज 1000 के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया। राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अब आदिवासी भी समझ रहे हैं उनके साथ सरकार ने छलावा किया है। आगामी चुनाव में राज्य सरकार को जनता करारा जवाब देगी। घुसपैठिए के मुद्दे पर सरकार लीपापोती करने में लगी है। सीता सोरेन ने जुबानी तीर दागे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश है। तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया है। 15 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। योजना निःशुल्क है, इसलिए बिचौलियों से सावधानी बरतने की भी हिदायत मुख्यमंत्री ने दी है। पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश है। मुख्यमंत्री मैया योजना पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है। सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। अभी के दरमियान में देखा जाए तो कई नए इस तरह की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं पब्लिक के सामने प्रलोभन को, क्योंकि वोट की जो ये है राजनीति है पूरे तरह से। आप सरकार चाह रही कि वोटर्स को किस तरह से प्रलोभन दे कर कर, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना शुरुआत के दौर में ही महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार? सबसे पहले बात, महिलाएं क्या बेवकूफ है? आदिवासी महिला चाहे कोई भी जाति वर्ग के महिला, 1000 का प्रलोभन दे कर करके भाग दौड़ मचवाना, ये कहाँ से सही है? नहीं, इन बस ये 2-3 महीना के बीच में वोटर्स को हम कह रहे हैं ना, प्रलोभन करने का एक योजना बना दिया इन लोगों ने। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस योजना को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। हमारे दो संवाददाता राजेश और अरुण बरवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम अरुण का रुख करेंगे। अरुण, देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धरातल पर योजना को उतारने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया, दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। सीता सोरेन जो कि बीजेपी की नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से किसी का लाभ नहीं होने वाला है। आयुष, देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार ने ये महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसे समय में इस योजना को लॉन्च किया है, जो अब महज 1 या 2 महीने बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है झारखंड विधानसभा में, तो इसको लेकर कई तरह तरह के आरोप लगने विपक्षियों के द्वारा ये तय था, जो इसे माना जा रहा था कि सरकार इसे महिलाओं के हित का बताएगी और विपक्ष इसके चुनावी जुमले वाली घोषणा बताएगा। तो बीजेपी के ओर से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नहीं, ये JMM सम्मान योजना है, और जिसका ये चुनाव में लोग लाभ उठाने का प्रयास करेगी JMM और राज्य सरकार।
और वही नहीं, इन्होंने मैया सम्मान नहीं मैया परेशान योजना का भी नाम दिया है। चूंकि पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति पूरे राज्य भर में है, फॉर्म के लिए एक तो मारामारी हो रहा है और उसके लिए ब्लैक हो रहा है, आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से इसे ब्लैक में बेचा जा रहा है फॉर्म को, जबकि फॉर्म सरकार ने निःशुल्क देने की घोषणा कर रही थी। तो गरीब महिलाओं को 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तक कहीं कहीं फॉर्म बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा जो लिंक जो फेल है, सर्वर जो डाउन है, उसके कारण सैकड़ों की संख्या में धनबाद में और लाखों की संख्या में कह सकते हैं पूरे झारखंड में फॉर्म जमा तो हुए लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज वरीय अधिकारियों के साथ सरकार राज्य में बैठक करके ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस तकनीकी जो खराबी है और अड़चन है उसको दूर किया जाए और इसको सुलभ बनाया जाए और इस योजना को 10 के बदले आगे 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, 5 दिनों की और कह सकते हैं वृद्धि हुई है इस कैंप में। जो कैंप 10 तारीख तक लगना था वो कैंप अब 15 अगस्त तक लगेगा। लेकिन जो अपडेट आपने दिया अरुण, ये कई मायनों में कई लोगों के कान खड़े करने वाला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता राजेश रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर जहां एक तरफ मौजूदा राज्य सरकार ये कह रही है कि हम अपने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, उनके हाथ में पैसे देंगे, दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ब्लैक मार्केटिंग फॉर्म की शुरू हो गई है और जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। साफ तौर पर सीता सोरेन ने कहा है कि यह महज परेशान करने वाली योजना है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। और किन किन बिंदुओं को लेकर, खास करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है और सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस योजना को लाई है, ऐसा बीजेपी के लोगों का आरोप है, और हड़बड़ी में लाई है कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचकर उनकी भावना को हम इसको इनकैश करें ताकि इसका राजनीतिक लाभ मिले। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि जिस प्रकार से सरकार हड़बड़ी कर रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। और जो फॉर्म मिल रहे हैं, मैंने भी देखा कई स्थानों पे फॉर्म मिल रहे हैं, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और लोग काम काज छोड़ कर इसमें लगे हुए हैं, चूँकि 1000 रुपया महीने मिलने का मामला है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं सीपी सिंह ने कहा है कि सरकार के जो द्वारा फॉर्म निर्गत किए गए यानी जारी किए गए हैं वह तो निःशुल्क है, लेकिन वो जहाँ भी यह वितरित हो रहे हैं फॉर्म वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं से ये फीडबैक मिल रहा है। एक बात और भी है इसमें कि फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि दिसंबर के बाद आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में पैसे जाएंगे। सीपी सिंह का कहना है कि यह सरकार धूल झोंक रही है गरीब महिलाओं के लिए जो जिनके लिए यह योजना बनाई गई है, और कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने वाली यह योजना है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। किस तरीके से इसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा यह भी सवालों के घेरे में। तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। एक विषय यह है कि फॉर्म की कालाबाजारी हो रही है, दूसरा विषय यह है कि यह योजना कब से लाभ मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से तो स्पष्ट तौर पर यह विज्ञापन भी दिया गया है और प्रचार प्रसार भी अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक कैंप लगेंगे और 10 तारीख के बजाय 15 तक ये कैंप की अवधि बढ़ा दी गई है, लोग वहाँ फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन सरकार से यह गुजारिश होगी और हर लोगों की यह गुजारिश है, योजना ठीक है कि मान लीजिए सरकार चाहती है कि हर बिल्कुल राजेश, तो राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि हमारे राज्य की हर एक महिला को सशक्त बनाया जाए, सबके हाथ में पैसे होंगे तो किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस योजना को कई लोग अब अवसर के तौर पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो इस योजना के तहत ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। राजेश और अरुण हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर अब पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी योजना को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके, दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे योजना को लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है यह योजना सम्मान योजना नहीं,
महिलाओं को परेशान करने वाली योजना। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत क्या होती है और कितने लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच पाता है। फिलहाल बड़ी खबर के इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज 11 भारत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।